अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि WWE के अंदर गोल्डबर्ग के फ्यूचर प्लान कंफर्म हो चुके गए। WWE के लॉकर रूम में CM Punk के बिहेवियर को लेकर बैकस्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रहे गए। WWE में डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिपली के इंटरजेंडर स्टोरी लाइन को लेकर बैकस्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, वहीं अपकमिंग NXT शो के ऊपर WWE का एक लेजेंड शो पर रिटर्न करने वाला है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। गाइज, यहां पर बात करें अगर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक जब WWE का रॉ हुआ था तो रॉ को 1.53 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बड़ी हफ्ते जब मंडे नाइट रॉ हुआ तो रॉ की व्यूअरशिप 1.57 मिलियन है, जो लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। और गाइज, इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ा सा सुपर हिट रहा है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक रॉ की व्यूअरशिप कैसी रहती है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार रिया रिपली के। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर रिया रिपली और जजमेंट डे के बीच में काफी लंबे टाइम से राइवलरी चल रही है, और अब भी यहां पर WWE के अंदर रिया रिपली और लिव मॉर्गन एक दूसरे के साथ राइवलरी कर रहे हैं। बट अब यहां पर इस राइवलरी के अंदर रिया रिपली के इंटरजेंडर मैच में कंपीट करने को लेकर बैकस्टेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइज, यहां पर WWE के बैकस्टेज से ये अपडेट आ रही है कि कंपनी के अंदर करेंटली यहां पर रिया रिपली और लिव मॉर्गन की जगह रिया रिपली और डोमिनिक मिस्टीरियो के पॉसिबल मैच को लेकर WWE के मैनेजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और गाइज, इस चीज के बहुत ही हाई चांसेस है कि जल्द आपको WWE के अंदर पॉसिबली डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिपली आमने सामने देखने को मिलेंगे। और क्योंकि रिया रिपली बाकी फीमेल रेसलर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उन्हें यहां पर डोमिनिक को रिंग में फेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए WWE के अंदर हमें पॉसिबली जल्दी डोमिनिक और रिया रिपली के बीच में इंटरजेंडर मैच देखने को मिल सकता है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि WWE के अंदर एग्जैक्टली यहां पर ये पूरा स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड होता है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार CM Punk की। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बैड ब्लड पर CM Punk के ब्रूटल मैच के बाद पंक यहां पर करंटली WWE के अंदर से बाहर चल रहे गए, और वो यहां पर करंटली शो के ऊपर काम नहीं कर रहे गए। बट इसके बावजूद भी इस हफ्ते CM Punk को लेकर WWE के बैकस्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। गाइज, यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रहे गए कि CM Punk के कंपनी पर रिटर्न होने के एक साल के बाद WWE कंपनी ने रिसेंटली उनका इंटरनल सर्वे किया, और WWE मैनेजमेंट ने रेसलर से ये जानने की कोशिश की कि क्या यहां पर CM Punk से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। और क्योंकि CM Punk काफी ज्यादा बदनाम रेसलर है और वो यहां पर हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते गए, तो इसीलिए WWE के अंदर इंटरनल सर्वे के द्वारा ये पता करने की कोशिश की गई कि पिछले एक साल में CM Punk ने बैकस्टेज पर कैसा बिहेव किया है, और क्या AEW के अंदर CM Punk को लेकर बैकस्टेज पर जो ड्रामे हुए थे वो चीजें CM Punk WWE के ऊपर भी करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। बट गाइस, जब यहां पर WWE ने इंटरनल जांच की तो WWE को ये पता चला कि CM Punk बैकस्टेज के ऊपर किसी तरह की कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी या ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे गए, और ये बात बिल्कुल सही गए कि काफी सारे लोग CM Punk के रिटर्न के खिलाफ थे। बट अब यहां पर पंक के रिटर्न होने के एक साल के बाद वो लोग जो CM Punk के खिलाफ थे वो भी पंक के सपोर्ट में उतर चुके गए, और CM Punk ने पिछले एक साल के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बिहेव किया है, और NXT के अंदर लगातार CM Punk के यंग रेसलर्स को सपोर्ट करने के बाद इंटरनली यहां पर WWE के अप एंड कमिंग रेसलर CM Punk को अपना मेंटोर मानते गए, और कंपनी के अंदर लोग यहां पर CM Punk को लेकर काफी हैप्पी गए। और इसीलिए WWE के अंदर CM Punk के पॉसिबली कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE Punk के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेगी या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के थर्ड ब्रांड NXT की। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NXT के CW पर मूव करने के बाद NXT के पहले दो एपिसोड यहां पर इंडोर अरीना में हुए, बट अब यहां पर शो दोबारा से परफॉर्मेंस सेंटर पर हो रहे गए। बट गाइज, यहां पर जल्द ही WWE का NXT शो एक बार फिर से परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर एक बाहर की अरीना में होगा। गाइज, यहां पर 6 नवंबर को WWE का NXT शो AEW डायनामाइट के साथ हेड टू हेड जाने वाला है, और इसीलिए WWE के NXT का ये शो परफॉर्मेंस सेंटर में ना होकर बल्कि ECW अरीना AKA 2300 अरीना के अंदर होगा। और आज यहां पर WWE ने जब इस अरीना के अंदर NXT के टिकट को सेल करना शुरू किया तो मात्र यहां पर कुछ ही घंटों के अंदर NXT का शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया। और अब यहां पर ECW अरीना में NXT के शो के कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट होने के बाद ECW लेजेंड बुली रे AKA बाबा रे ने यह अनाउंस कर दिया है कि 6 नवंबर को जब ECW अरीना में NXT उनका शो
करेगी। तो वो यहाँ पर ECW अरिना में NXT पर रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर WWE के NXT के ऊपर शो के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि बुली रे WWE के NXT पर क्या करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस WWE के बैड ब्लड के ऊपर गोल्डबर्ग के रिटर्न होकर गंथर को कन्फ्रंट करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर WWE में गोल्डबर्ग के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके गए। गाइस यहाँ पर इस चीज को 100% कन्फर्म माना जा रहा है कि WWE के अंदर गोल्डबर्ग यहाँ पर जल्द कंपनी के ऊपर दोबारा रिटर्न करने वाले गए। और ये रिटर्न आपको सऊदी अरबिया में अपकमिंग पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के ऊपर देखने को मिल सकती गए। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कोडी रोड्स और गुंथर के मैच के अंदर गोल्डबर्ग पॉसिबली यहाँ पर गुंथर पर अटैक करने वाले गए, जिसकी वजह से कोडी रोड्स गुंथर को बीट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर WWE के अंदर गोल्डबर्ग और गुंथर की स्टोरी लाइन बिल्ड होगी। और वैसे तो ओरिजिनली ये माना जा रहा था कि CM Punk सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गुंथर को फेस करेंगे, बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि क्राउन ज्वेल पर गोल्डबर्ग के रिटर्न होकर गुंथर पर अटैक करने के बाद हमें यहाँ पर पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गुंथर और गोल्डबर्ग के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगी। वाल आप यहाँ पर गोल्डबर्ग के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।